then next problem uh, two way slab okay then uh, two way slab of the first problem is that design a two way slab over a hall 4.5 by 5.5 is simply supported at the four edges with a corner not held down live load on a slab is a 3 kN per meter square check the shear may not be required vm20 use m20 uh, concrete fe415 steel use bending moment coefficient अल्फा एक्स इक्ल्स टू जीरो पॉइंट जीरो एट सिक्स एंड अल्फा वाई इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट अगर आपको चेक करना है कि ये टू वे स्लैब है तो आप सभी को पता है एल्वाई बाई एलेक्स रेशो इज़ लेस दैन टू दैट इज टू वे स्लैब दैन फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट फाइव लेस दैन टू आ गया है वन पॉइंट टू थ्री लेस देन है तो टू वे स्लैब है तो अपन अभी डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे गिवन डाटा लिख लो पहले हॉल साइज इक्वल्स टू फोर पॉइंट फाइव बाई फाइव पॉइंट फाइव ये है एल एक्स ये है एल वाई ठीक है लाइव लोड इक्वल्स टू थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एफ सी के ट्वेंटी पर एम एम स्क्वेर एफ आई फोर वन फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वेर अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट सिक्स एंड अल्फ़ा वाई इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट सबसे पहले इस्टीमेट सेम एज इट इज है वन वे स्लैब तरह ही है ये टू वे स्लैब भी इस्टीमेट डी इक्वल्स टू स्पेन एल एक्स डिवाइडेड बाई मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू ट्वेंटी फोर फाइव जीरो सेफर साइड ठीक है अज्यूम ट्वेंटी एम एम इफेक्टिव कवर हम लोग प्रोवाइड करेंगे डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस डी डैश मतलब ओवरऑल डेप मिल जाएगा वन सेवेंटी प्लस ट्वेंटी वन नाइनटी एम एम मिल गया ओके देन लोडिंग कैलकुलेशन डेड लोड फर्स्ट हम लोग डेड लोड निकालेंगे डी इंटू वन इंटू ट्वेंटी फाइव कैपिटल डी कितना निकला जीरो पॉइंट वन नाइन नाइन जीरो इंटू ट्वेंटी फाइव डेड लोड मिल गया फोर पॉइंट सेवन फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर देन लाइव लोड ये दिया है क्वेश्चन में थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम फ्लोर फिनिश अज्यूम करेंगे वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जीरो पॉइंट फाइव भी हम कर सकते हैं लोड निकालना है इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फोर फिनिश देन डब्लू मिल जाएगा तीनों का हम लोग प्लस कर लेंगे ठीक है देन एडिशन कर लेंगे तो 8.75 पॉइंट सेवन फाइव किलो न्यूटन पर मीटर डब्ल्यू मिल गया देन फैक्टर लोड निकालेंगे इंटू करेंगे डब्ल्यू यू मिल गया 13.125 पॉइंट वन टू फाइव किलो न्यूटन पर मीटर फैक्टर मूवमेंट एमयूक्वल्स टू एमयू एक्स पहले निकालेंगे एमयू एक्स कैसे निकालेंगे अल्फा एक्स इंटू डब्लू यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर देन एनयू वाई अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू यू इंटू एलवाई का स्क्वायर यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है जो कि पूरी गिवन है ये हमने ही फाइंड आउट किया ठीक है और आंसर आ गया ये एल एक्स अप करेंगे यहाँ पे पुट अप करेंगे ठीक है देन डेप्थ रिक्वायर फॉर बेंडिंग डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग एफ ई फोर वन फाइव एम यू लिमिटिंग इक्वल्स टू जीरो बिकॉज एफ ई फोर वन फाइव गिवन है ठीक है ये वाली जो फॉर्मूला है ये लगा लेंगे हम लोग और एल एक्स मतलब एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ ले सकते हैं तो भी आंसर सेफा साइड में ही आएगा जीरो पॉइंट वन थ्री एट इंटू ट्वेंटी इंटू थाउजेंड इंटू डी का स्क्वायर देन डी रिक्वायर्ड मिल गया नाइन्टी वन डी प्रोवाइड हमने किया था वन सेवेंटी और डी रिक्वायर्ड मिला नाइन्टी वन इट मीन्स जो स्लैब है वो सेफ सेफ uh, है बेंडिंग के लिए मतलब वो मोमेंट बियर करने के लिए देन एरिया ऑफ मेन स्टील हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए एस टी एक्स निकालना पड़ेगा जीरो पॉइंट फाइव वही फार्मूला सेम एज इट इज जो हमने आपको बताया है वन वे स्लैब के लिए और कैंटी लीवर के लिए भी सेम यही फार्मूला है तो ये बस इतना है कि ए एस टी एक्स वन टाइम निकलेगा और ए एस टी वाई निकलेगा ठीक है देन एम यू एक्स क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट uh, मतलब पुटअप करना है आपको वैल्यू देन ए एस टी एक्स कितना मिला थ्री नाइन्टी वन पॉइंट थ्री टू एम एम स्क्वायेयर देन उसके बाद स्पेसिंग फॉर मेन स्टिल हमें फाइंड आउट करना है अज्यूम टेन एम एम ठीक है देन पाई बाय फोर इंटू टेन का स्क्वायर एरिया डायमीटर का मिल गया सेवेंटी एट पॉइंट फाइव फाइव एम एम स्क्वायेयर देन स्पेसिंग हमें फाइंड आउट करना है एरिया डायमीटर डिवाइडेड बाई ए एस टी इन टू थाउजेंड देन स्पेसिंग मिलगी कितनी टू हंड्रेड पॉइंट एट जीरो प्रोवाइड टेन एम एम डाया ऑफ बारे टू हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर नेक्स्ट स्टेप है सेवन स्टेप सेवन स्टेप एरिया ऑफ मेन स्टील ठीक है बट mm mm कौन सा वाई डायरेक्शन के लिए तो ए एस टी वाई सेम वही फॉर्मूला बट यहाँ पर एम यू वाई आएगा ठीक है ए एस टी वाई निकल चुका है थ्री नाइनटी फोर पॉइंट टू जीरो एम एम स्क्वायेर स्पेसिंग फॉर मेन स्टिल अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर अज्यूम टेन एम एम यहाँ पर भी टेन एम एम ही डायमीटर अपन प्रोवाइड करेंगे एर, एरिया डायमीटर फिर से वही कितना आएगा सेवेंटी एट पॉइंट फाइव फाइव और फिर स्पेसिंग निकालेंगे ए एस टी वाई इंटू थाउजेंड देन सेवनटी एट पॉइंट फाइव फाइव डिवाइडेड बाई ए एस टी वाई कितना निकला था थ्री नाइन्टी फोर पॉइंट टू जीरो इंटू थाउजेंड स्पेसिंग निकल गई वन नाइनटी नाइन हम लोग कितना लेंगे प्रोवाइड टेन एम mm एम डाया ऑफ बार स्पेसिंग अबाउट वन नाइंटी एम एम सेंटर टू सेंटर डिटेल डिजाइन डिटेल आपको कैसे लिखना है यहाँ पर इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड स्लैब बनाएंगे अपन ओके नेक्स्ट इज डिजाइन डिटेल डिजाइन डिटेल में आपको सिंपली सपोर्टेड uh, यहाँ पर स्लैब बनाना है बीम बनाना है लाइक ठीक है देन यहाँ पर ए एस टी एस टी वाइज स्पेसिंग दिखाना है और ए एस टी एक्स स्पेसिंग दिखाना है टू हंड्रेड एम एम सेंटर टू सेंटर आई थी और ये वन नाइन्टी एम एम सेंटर टू सेंटर आई है ठीक है ओवरऑल डैप वन नाइन्टी एम एम हमने डिज़ाइन किया स्मॉल डी कितना है वन सेवेंटी एम एम टू थर्टी एम एम सपोर्टिंग साइड है इसके सपोर्टिंग है ठीक है देन सपोर्टिंग बीम टू थर्टी टू थर्टी एंड देन यहाँ से हम लोग अगर एल इफेक्टिव निकालते हैं फोर सेवन थ्री जीरो एम एम आया था और ये जो है एल फोर फाइव जीरो जीरो एम एम ठीक है इस तरीके से आपको डिज़ाइन डिटेल बनाना है दैट्स इट